फंक्शन लीग की जानिब से रेंजर्स की हमायत में खलीफा अली गुलाम नजामानी, सईद खान नजामानी, गुलाम दस्तगीर राजर की सरबराही में खलीफा हाउस से प्रेस क्लब तक रैली निकालेगी। इस मौके पर बड़ी तादाद में फंक्शन लीग के कारकुन भी मौजूद थे। इस मौके पर पाक फौज और रेंजर्स की हमायत में नारेबाजी भी की गई। पाक फौज को हमारे रेंजर्स को अख्तियार नहीं दे रहे, उनको अख्तियार देने चाहिए, जो हर चीज करप्शन पे लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करे। बाकी अब ठेकरे धागे पूछ रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि रेंजर्स को अख्तियार नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। आपने समझ रहे हैं कि रेंजर्स को जो है वो सूबाई मामला है, इसको अख्तियार जो है सूबाई हुकूमत का मसला है। सूबाई हुकूमत का मामला है तो ये सूबाई को देना चाहिए, क्योंकि करप्शन उन्होंने उरूज पे कर दिए। ये करप्शन वालों को हटाने वालों को जब इन्होंने पकड़ा है, और उन्होंने क्योंकि उनको जो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ है उनके जो ऑपरेशन शुरू किया है, तो ये चाहता है तो वो गलत किया है। करना चाहिए पाक आर्मी को फुल, अगर ये सिंध हुकूमत नहीं देती है तो हम नवाज शरीफ को अपील करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ पर एमरजेंसी। गवर्नर राज के लिए हमारे करें क्या? हम कहते हैं कि अमन अमान होने चाहिए, फिर गवर्नर राज आना चाहिए, आर्मी आनी चाहिए। तो अगर ये हालत है, अगर रेंजर्स को फुलफिलिंग अख्तियार नहीं दे रहे, इससे गवर्नर राज लगे तो बेहतर है। यहाँ पर जो रेंजर्स का जो मामला आता है सूबाई मामला आते हैं, तो यहाँ पे गवर्नर राज की भी डिमांड की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? देखो ना, सूबाई असेंबली में उनकी पीपल्स पार्टी अक्सरियत है, वो तो मनाओ ये बिल लेके नहीं आ रहे। हमने सूबाई असेंबली में भी एहतजाज किया है, हमारी पार्टी ने उधर भी एहतजाज किया है, अभी हम सड़कों में भी एहतजाज कर रहे हैं कि रेंजर्स को आना चाहे और रेंजर्स आए, अमन अमान रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। आज फंक्शन लीग की जानिब से रेंजर्स और फौज के हमायत में यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। फंक्शन लीग के MPA और मुंतखब नुमाइंदों और यहाँ के अहदेदारों का यह कहना है कि यहाँ पर फौरी तौर पर रेंजर्स और फौज को यहाँ पर अख्तियार दिए जाएँ। अगर उनका कहना है कि अगर इस तरह के अख्तियार नहीं दिए जाते तो वो फंक्शन लीग यहाँ पर सिंध के अंदर गवर्नर राज की भी हमायत करेगी। देखना यह है कि यहाँ पर जो राज जो रैली निकाली जा रही है, क्या उसके बाद यहाँ पर गवर्नर राज नाफिज होता है, जहाँ अमन अमान बहाल करने के लिए रेंजर्स को फौरी तौर पर अख्तियार दिए जाते हैं। कैमरा मैन मुतब अहमद के साथ संघर्ष से इशफाक सुलहरी।